गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है हम लोगों को दी मदर जो पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 है इसी का हम लोग वेरी ब्रीफली क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जो क्वेश्चन नंबर 3.3 में दिया हुआ है। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन आंसर कर लिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। इन द पोएम द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर। कविता में पोएट जो है अपने दादी माँ के प्रेम को कोमलता व्यवहार को वह फील करता है, ठीक है ना, प्रेम रूपी व्यवहार को वह महसूस करता है। एक्सप्लेन द लाइन्स, वो लाइन्स जो बताया है कविता में उसको एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। तो आइए इसको लिखते हैं। इन द लाइन्स इफ आई फेल्ट bands on my head, I had known that there were her hands. The poet feels the tender touch of his grandmother. तो ये रहा आपके 5 नंबर का आंसर, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वॉज द वॉइस कमिंग, आवाज कहां से आ रही थी। तो इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम और ऑफ, ठीक है, वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम अ रॉक, उस रॉक से आवाज आ रही थी। ये 6 का आंसर हो गया। इसके बाद से 7 नंबर जो क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोएट, ठीक है, दादी माँ के शब्दों को इस कविता में कहा बताया गया है, ठीक है, किस जगह पे बताया गया है, फ्लो किया गया है। इसका लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इनसाइड, कहां बताया गया है, इनसाइड द पोएट, कविता में ही बताया गया है। लाइट ऑफ समवन, लाइट द समवन एस्टियरिंग
एसेस, एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर ऑफ sleeping fire at night. तो ये आपका 7 नंबर का आंसर हुआ। ये आपका बी पॉइंट 3 कंप्लीट हो गया। बी पॉइंट 3 में 7 क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें आ रहा है। इसको एक एक करके हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ये आप लोग जो है इसे नोटबुक में उतार कर और इसको याद करते चलेंगे, ठीक है। और इससे जुड़े कोई भी चीज यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। चलिए आज तक इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।